एनवलप थ्योरम, कोई भी फंक्शन है हम मैक्सिमा या मिनिमा से उसकी ऑप्टिमल वैल्यू निकाल सकते हैं। हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि उसकी ये ऑप्टिमल वैल्यू कैसे चेंज हो रही है अगर कोई पैरामीटर चेंज हो जाता है, राइट? और द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज गोइंग टू चेंज व्हेन अ पैरामीटर ऑफ द फंक्शन चेंजेस, राइट? वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स एनवलप थ्योरम। एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा, ये निकल्सन से लिया हुआ एग्जाम्पल है बेटा। एग्जाम्पल सेज दिस, मान लेते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। मैं इसका ऑप्टिमल निकाल सकता हूं dy बाई डी एक्स, जो आके आपको क्या आएगा माइनस टू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। सो वॉट योर एक्स स्टार इज गोइंग टू बी, दैट विल कम आउट टू बी ए बाय टू। मैं इस x star को इस फंक्शन में डाल सकता हूं, आई कैन सब्सटीट्यूट दिस x star बैक इनटू दिस फंक्शन एंड आई विल गेट माय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, बिकॉज ये जो x star आया है ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये बता रहा है कि अगर इतना x star होगा तो जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी या ऑप्टिमल होगी। सो सब्सटीट्यूट, x star equals to a by 2 in y, and the moment you do that you will get the optimal value of the function, which in this case is going to be a by 2 ka whole square plus a by 2, right? So this will come out to be a square by 4. और अगर अभी मैं अपने आप से ये पूछना चाहूं कि भाई ये जो वैल्यू द फंक्शन आई है, ये जो ऑप्टिमल वैल्यू है, ये कैसे कैसे चेंज हो जाए अगर पैरामीटर ए चेंज हो जाए, तो भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं डी वाई स्टार बाई डी ए इज गोइंग टू बी टू ए अपॉन फोर विच इज ए बाई टू, टू ए अपॉन फोर विच इज ए बाई टू। एनवलप थ्योरम एक्चुअली क्या कर रही है, एनवलप थ्योरम हमारे को एक आसान तरीका प्रदान कर रही है इस तरीके से ये फाइंड आउट करना कि ऑप्टिमल वैल्यू पहले हम निकालें, फिर उस ऑप्टिमल वैल्यू में चेंज देखें, जैसे जैसे ए चेंज हो रहा है। वो ये कहते हैं, एनवलप थ्योरम कह रही है कि भैया तुम ऐसा कुछ मत करो, सिंपल सिंपल तुम्हारे को फंक्शन दिया है, उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो ए के टर्म्स में, राइट? उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो ए के टर्म्स में अगर तुम, और उसके बाद उस फंक्शन की वैल्यू निकालो अज्यूमिंग दिस के एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार। उस फंक्शन की वैल्यू उस ऑप्टिमल पे निकाल दो। जैसे कहने का मतलब ये कि अगर मैं कहूं कि आई कैन फाइंड आउट डेल वाई बाय डेल ए, इन दिस केस इट विल कम आउट टू बी एक्स, राइट? एंड आई कैलकुलेट दिस डेल वाई बाई डेल ए एट एक्स इक्वल्स टू एक्स टर्म, वो कितना था ए बाई टू, यही तो आ गया, राइट? दैट इज वॉट यू हैव गॉट, दैट इज वॉट यू हैव गॉट। तो और जो एनवलप थ्योरम है वो तुम्हारे को एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच प्रदान कर रही है। क्या अप्रोच प्रदान कर रही है? वो ये कह रही है कि आप डी वाई स्टार बाई डी ए को सीधे सीधे निकाल सकते हैं। अगर आप ये अज्यूम करें, आप सिर्फ उस फंक्शन को ए के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दीजिए सीधे सीधे, आपको ऐसे, और अज्यूमिंग दिस दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार, अज्यूमिंग दिस दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार। ये सिंपल क्वेश्चन में पूरी तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस नहीं आती है, बट इसको लिखते हैं साथ में। सो एनवलप थ्योरम प्रोवाइड्स an alternative approach provides an alternative approach that for small changes in A,
dy star by dA can be computed directly by holding this pen is not working properly by holding x constant at its optimal value. By holding x constant at its optimal value. तो सिंपल भाषा में एनवेलप थ्योरम क्या स्टेट कर रही है, वो ये स्टेट कर रही है. एनवेलप थ्योरम इज स्टेटिंग दैट द चेंज इन द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर ऑफ द फंक्शन. हमारे केस में y स्टार ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द फंक्शन थी, a पैरामीटर था. इट कैन बी फाउंड आउट बाय पार्शियली डिफरेंशिएटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. हमारे केस में y इज इक्वल टू ये जो फंक्शन था तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था. उस फंक्शन को ही ए के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दीजिए और एक्स को मानिए कि वो ऑप्टिमल वैल्यू पे है. तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि डी वाई स्टार बाय डी ए, वो ये कह रहे हैं आप ऑप्टिमल वैल्यू को ए के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें या आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ए के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें फोल्डिंग एक्स इक्वल्स टू होल्डिंग एक्स इक्वल्स टू एक्स स्टार, मतलब होल्डिंग एक्स कॉन्स्टेंट एट एक्स इक्वल्स टू एक्स स्टार, ये कहा गया. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. इस एग्जाम्पल में इस तरीके से आपको गिवन है, यू आर गिवन विद एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स फोर प्लस फोर ए स्क्वायर. ये सिंगल वेरिएबल में फंक्शन है और जो ए है उसका पैरामीटर है, राइट. सो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ बेटा व्हाट इज डेल एफ बाय डेल एक्स, दैट इज गोइंग टू बी माइनस टू एक्स प्लस टू ए इक्वल्स टू जीरो. मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ व्हाट इज गोइंग टू बी माय एक्स स्टार, दैट इज द फंक्शन ऑफ ए एंड दैट इज इक्वल टू ए. और अगर मुझे ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करा जा सकता है, मतलब यह जो एक्स स्टार आया है उसको इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो व्हाट विल दैट बी एफ स्टार ए एक्स की जगह एक्स स्टार लिखा, एक्स की जगह एक्स स्टार लिखा, एक्स स्टार किसके बराबर है, ए के बराबर है. ये फाइव ए स्क्वायर है. तो ये फाइव ए स्क्वायर क्या है, ये मेरी कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू है. दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू, राइट. अच्छा, अगर हम सीधे सीधे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते, इन केस इफ वी वुड हैव टेकन अप द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन सीधे सीधे विद रिस्पेक्ट टू ए, जैसे ये जो डेल एफ स्टार आया है तो क्या आता है 10a. चलो बहुत अच्छी बात है. या फिर हम ये भी तो कह सकते थे कि आप इसी फंक्शन का ए के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको क्या आएगा 2x प्लस 8a. और इसी फंक्शन को जब आपने ए के टर्म्स में डिफरेंशिएट करा है उसको कैलकुलेट कर लीजिए जब x x स्टार के बराबर है. x स्टार कितना है a, वो ये कह रहे हैं कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले
ऑप्टिमल वैल्यू निकालें और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करें ए के टर्म्स में. मतलब एनवलप थ्योरम कह रही है कि आपको ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे डेल एफ बाय डेल ए निकाल सकते हो. आपको ऑफकोर्स डेल एफ बाय डेल एक्स निकालना पड़ेगा, उससे आपको एक्स स्टार मिल जाएगा और आप उस एक्स स्टार को जब डेल एफ बाय डेल ए में डालेंगे तो आपके पास सेम ही वैल्यू आएगी. ये चीज फाइंड आउट करना कि ये ऑप्टिमल वैल्यू कैसे चेंज हो रही है अगर पैरामीटर चेंज हो रहा है, तो ये जो स्टेप है ये करने की आवश्यकता नहीं है. दिस इज वॉट दे आर ट्राइंग टू से. उसके बाद एक छोटी सी चीज करते हैं बेटा, बेटा दिस इज व्हाट माय फंक्शन इज, जस्ट वेट, दिस इज व्हाट माय वैल्यू फंक्शन इज. मतलब ये फंक्शन वो है जो कि आएगा जब मैं जो मेरे ऑप्टिमल्स आए हैं एक्स स्टार वाई स्टार उनको अपने फंक्शन के अंदर सब्सिट्यूट कर दूंगा. वो तो किस किस का फंक्शन होगा? वो एक्स स्टार का फंक्शन है, एक्स स्टार अपने आप में पैरामीटर का फंक्शन है, वाई स्टार का फंक्शन है, वाई स्टार अपने आप में पैरामीटर का फंक्शन है, वो पैरामीटर का फंक्शन है. जैसे अभी तुमने ये देखा था, तो ये जो फंक्शन था बेटा, ये जो फंक्शन आया ये इसको कैसे लिखते, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना, कि किस किस का फंक्शन है, एक्स और ए का. एक्स अपने आप में भी ए का फंक्शन है, इस तरह से लिखा. यही हमने कहा कि मान लीजिए अगर तीन दो वेरिएबल होते तो ऐसे है. सो लेट अस डिफरेंशिएट द मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर. राइट, डीवी बाय, अब मैं अगर इसको अल्फा के, अल्फा पैरामीटर है, एक्स और वाई मेरे एंडोजेनस वेरिएबल्स, तो बेटा अल्फा यहां आ रहा है, अल्फा यहां आ रहा है, अल्फा यहां आ रहा है, तो तीन प्रकार से वो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है. एक तो अल्फा डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है फंक्शन को, और दो तरीके से अल्फा इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है फंक्शन को. सो व्हाट इज दैट गोइंग टू बी, डेल एफ, इसको चेन रूल लगाना पड़ेगा ना, डेल एफ बाय डेल एक्स इनटू डेल एक्स स्टार बाय डेल अल्फा प्लस डेल एफ बाय डेल वाई इनटू डेल वाई स्टार बाय डेल अल्फा प्लस डेल एफ बाय डेल अल्फा, ऐसे लिख दे बेटा. लेकिन ये बात तो अपने को पता ही है कि जब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होती है हम कैसे करते हैं. कोई भी अगर मान लीजिए अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती, उसका अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालनी है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, तो मुझे क्या करना होता है, डीवाई बाई डी एक्स. अगर फंक्शन एक्स और वाई का फंक्शन है बेटा, तो मैं यही तो करूंगा ना, डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो निकालूंगा, डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो निकालूंगा. तो ऑप्टिमल पे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से डेल एफ बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई तो जीरो ही आ गए. ये करते हैं ना, हमने पहले भी करा था इस बात को. हाउएवर फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन वी नो दैट डेल एफ बाय डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो. तो अगर ऐसा है तो बेटा ये बात तो सही है, दैट डीवी बाय अल्फा इज डेल एफ बाय डेल अल्फा. तो ध्यान से देखो, तो हमने यही बात जो हमने अभी अभी एग्जाम्पल से देखा इसको थोड़ा टेक्निकली कह दिया है. वी क्या था मेरा, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन. मैं कह रहा हूं या तो ये वी कैसे आया था, जब मैंने ऑप्टिमल्स को सब्स्टिट्यूट करा था फंक्शन के अंदर तो वहां से वी आया था. फिर मैंने उस वी को
अल्फा के टर्म से डिफरेंशिएट करा, ये बात है, ये बात है, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस, सो मैंने उस फंक्शन को अल्फा के टर्म से डिफरेंशिएट करा, उस मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन को। ये वाला ये कुछ ऐसा कह रहा है कि आप ये सब कुछ ना करें, आप सीधे सीधे फंक्शन को पैरामीटर के टर्म से डिफरेंशिएट कर दें, और उसके बाद वो जो डेरिवेटिव आएगा ना उसके अंदर ऑप्टिमल रख दीजिएगा, जो भी एक्स स्टार वाई स्टार आए। हमने एग्जांपल दिया आपको अभी, ठीक है। इन्हीं बातों को अलग तरीके से इसमें तीन पॉइंट्स में लिखा, ये तुम्हारे को लिखने चाहिए। एनवेलप थ्योरम क्या कह रही है कि जैसे जैसे अल्फा वेरिएट करेगा, मतलब जैसे जैसे अल्फा चेंज होगा, एक्स स्टार चेंज हो सकता है, वाई स्टार चेंज हो सकता है, उसकी वजह से डीवी बाय, वो ये कह रहे हैं कि जो डीवी बाय डी अल्फा है वो भी सेम ही रिजल्ट देगा अगर तुम उसको एक्स स्टार और वाई स्टार पे कंप्यूट करो, अगर तुम उसको एक्स स्टार और वाई स्टार पे ही कंप्यूट करो तो तुम्हारे को ये करने की जरूरत नहीं है। वो एक स्टेप के बीच में खा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले एक्स स्टार वाई स्टार निकालें, उस एक्स स्टार वाई स्टार को आप फंक्शन में डालें, और उसके बाद उस ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन को फिर अल्फा के टर्म से डिफरेंशिएट करें। वो ये कह रहे हैं आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप ये कर सकते हैं कि आप सीधे सीधे तौर पे फंक्शन को अल्फा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें एक्स स्टार और वाई स्टार को डाल दीजिए। वो ये कह रहे हैं अल्फा एंटर्स द मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, अभी बताया था ना, ये बताया अभी कि जो तुम्हारा वी था वो क्या था, एफ ऑफ एक्स स्टार अल्फा वाई स्टार अल्फा अल्फा, डायरेक्टली भी एंटर कर रहा है, इनडायरेक्टली भी एंटर कर रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली एक्स स्टार और वाई स्टार के थ्रू एंटर कर रहा है। जो मेन आइडिया था वो क्या था बेटा, कि जो डीवी बाई डी अल्फा आएगा दैट इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन दी डायरेक्ट चेंज। इससे तो इनडायरेक्ट चेंजेस आ रहे थे ना, और इनडायरेक्ट चेंजेस तो जीरो हो गए क्योंकि डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई जीरो है, अभी अभी हमने देखा। तो हमने कहा ये जो है ना एनवेलप थ्योरम का, कि ये जो मेन बात है कि ये ऑप्टिमल वैल्यू कैसे चेंज होगी जब अल्फा चेंज होगा, ये मेनली डायरेक्ट इफेक्ट पे डिपेंडेंट है। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द चेंज इन पैरामीटर, मतलब आप फंक्शन को सीधे सीधे अल्फा के टर्म से डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसके बाद जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें एक्स स्टार वाई स्टार को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल भाषा में ये कुछ एनवेलप थ्योरम के बारे में बात थी, राइट। चलिए, थैंक यू बेटा।